सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। फंगल इन्फेक्शन गाइस इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हर कोई इससे परेशान है। लेकिन गाइस मैं आपको, अगर आपको अभी अभी फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो मैं आपको एक ऐसा ट्रीटमेंट बताता हूँ, अगर आप उस ट्रीटमेंट को लेते हैं तो 15 दिन के अंदर आपका फंगल इन्फेक्शन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा। तो वेलकम बैक गाइस, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट सनी कुमार, और आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। गाइस फंगल इन्फेक्शन को तो आप जानते ही होंगे, जिसे आम भाषा में दांत खाज खुजली या फिर रिंग वॉर्म या टीनिया बोला जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा फैल चुका है और काफ़ी लोग इससे परेशान भी हैं। और अक्सर देखा जाता है कि ये बीमारी जब किसी को होती है तब घर में सभी लोगों को हो जाती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा ट्रीटमेंट बताऊंगा, अगर आप उसको लेते हैं तो 15 दिन के अंदर आपका किसी भी तरह का कोई अगर फंगल इन्फेक्शन होगा तो वो ठीक हो जाएगा। तो गाइस ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। देखिए ट्रीटमेंट तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको साथ ही वो कारण भी ख़त्म करना पड़ेगा जिसके कारण आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है। अब उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपका लाइफस्टाइल, आपका खाना पीना और आपका हाइजीन, आप कैसे रखते हैं खुद को, और जिसके कारण आपको फंगल इन्फेक्शन हुआ है। मान लीजिए अगर आपको घर में किसी से हुआ है या फिर पालतू जानवर से आपको हुआ है या फिर किसी के कारण हुआ है, तो वो आप अपना कारण प्लीज़ उसको पहचाने और उसको ख़त्म करें, ताकि आपको फंगल इन्फेक्शन ठीक हुआ और दोबारा ना हो जाए। साथ ही आप अपना खाने पीने का और लाइफस्टाइल को भी ठीक कर लें, ठीक है गाइस। तो इसके ऊपर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा, लेकिन आज मैं आपको सिर्फ ट्रीटमेंट बता रहा हूं कि फंगल इन्फेक्शन का ट्रीटमेंट क्या है। और ये जो ट्रीटमेंट है गाइस, ये एडल्ट ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, बड़ों के लिए डोज है। तो गाइस देखिए सिंपल सा ट्रीटमेंट है, आपने इट्राकोनाजोल के कैप्सूल लेने हैं 100 mg के, ने दिन में दो बार लेने हैं नींबू पानी के साथ में। साथ ही आपने ग्रीसियोफुलवीन 500 mg की टैबलेट लेनी है दोपहर के समय। साथ ही अगर आपको खारिश होती है, और फंगल इन्फेक्शन में खारिश सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान करती है, तो आपने एटारेक्स की टैबलेट 25 mg की दिन में तीन बार लेनी है। और जब ये खारिश आपको कम हो जाए, मतलब कि हफ्ते तक आप दिन में तीन बार लें, फिर 3 दिन के लिए आप सुबह शाम, और फिर आपने ये जो टैबलेट है इसको रात के समय लेना है। तो ऐसे एटारेक्स को आप घटाकर सिर्फ रात के समय कर लेंगे और 15 दिन के बाद एटारेक्स भी ख़त्म हो जाएगी। और जो इट्राकोनाजोल है वो भी आपने सिर्फ 15 दिन ही लेनी है। साथ ही आपने ललीकोनाजोल 2% का एक सोल्यूशन आता है, उसको आपने जहाँ जहाँ पर आपके इन्फेक्शन है वहाँ पर आपने लगाना है। साथ ही अगर आपको खुजली से ज़्यादा परेशानी हो रही है, तो गाइज मैं हमेशा कहता हूँ कि स्टेरॉइड को आप बिल्कुल ना लें। लेकिन अगर आपको इन्फेक्शन है और ज़्यादा खुजली हो रही है, और आपने जो स्टेरॉइड क्रीम और आपने ऑइंटमेंट का यूज़ किया है या फिर आपने गोलियां भी खाई हैं स्टेरॉइड की, तो आपको एक बार 3 दिन के लिए स्टेरॉइड टैबलेट का यूज़ करना पड़ेगा। इसीलिए आप वाइसलोन 20 mg की टैबलेट को मात्र 3 दिन के लिए ले सकते हैं अगर आपको ज़्यादा खुजली से परेशानी है। ओके, तो अगर आप ये ट्रीटमेंट लेते हैं, और गाइस सिंपल सा ट्रीटमेंट है, इट्राकोनाजोल सुबह शाम आपने लेनी है नींबू पानी के साथ में, साथ ही ग्रीसियोफुलवीन 500 mg की टैबलेट आपने दिन में दोपहर को लेनी है दिन में एक बार, साथ ही आपने टैबलेट एटारेक्स 25 mg की टैबलेट 7 दिन के लिए दिन में तीन बार, और फिर अगले 3 दिन के लिए सुबह शाम, और उससे आगे मतलब 11वें से 15वें दिन तक आपने रात को सोते टाइम एटारेक्स टैबलेट को लेना है। साथ ही आपने ललीकोनाजोल 2% का सोल्यूशन लगाना है इन्फेक्टेड एरिया पर। और गाइज ये ट्रीटमेंट मेरा खुद का यूज़ किया हुआ है, और जो भी लोग आते हैं फंगल इन्फेक्शन से जो परेशान होते हैं, मैं उनको ये ट्रीटमेंट देता हूँ, और आई होप ये ट्रीटमेंट आपके लिए भी काफ़ी यूजफुल होगा। अगर आपको इससे बेनिफिट मिलता है तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि जो भी कोई लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें भी इस ट्रीटमेंट का पता लग सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस ट्रीटमेंट का फ़ायदा उठा सकें। तो आई होप ये गाइस आपके लिए वीडियो काफ़ी यूज़फुल रही होगी। तो ऐसी ही यूज़फुल वीडियोज़ और टॉपिक्स के लिए प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि जब भी कोई नई वीडियो हमारे चैनल पर अपलोड हो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो गाइस मुझे दीजिए इजाज़त, मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।